माते, मैं न कहती थी न अर्जुन मुझे भूले हैं और न मेरे प्रेम को। उन्होंने मुझे विश्वास दिला दिया, वो आज भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि पहले। उलूपी, और तुमने उनकी बात पर विश्वास कर लिया? क्यों न करती माते, केवल मुख से निकली हुई बात होती तो कदाचित मैं न मानती, किंतु उनके नेत्र, उनका हर एक भाव, उनके स्वर से टपकती हुई निष्ठा उनके प्रेम की सत्यता की गवाही दे रही थी माते। और जब जब उन्होंने मुझे आंख उठाकर देखा तो उनकी आंखों में वही प्रेम का सागर उमड़ रहा था जिसमें मैं डूबी थी। और जब उन्होंने मुझे छुआ तो उनके स्पर्श में वही निर्मलता, वही कोमलता थी जो एक निस्वार्थ प्रेम करने वाले के हाथों में मिलती है। वो अब भी मेरे हैं, केवल मेरे हैं माते। उलूपी, यदि ये सत्य है तो अर्जुन ने इतनी शीघ्रता से तुझे और चित्रंगदा के बीच में स्वयं को बांट क्यों दिया? यदि वास्तव में वो तुझसे प्रेम करता है तो क्या चित्रंगदा के साथ वो खेल खेल रहा है? खेल मेरे स्वामी नहीं खेल रहे हैं, ये खेल चित्रंगदा ने खेला है। सारा दोष चित्रंगदा का है, इसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं माते। ये कैसे संभव है? ये हो ही नहीं सकता उलूपी। मैं मान ही नहीं सकती कि ये विवाह अर्जुन की इच्छा के बिना हुआ हो। ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है, और तू अर्जुन की झूठी और मीठी बातों में आ चुकी है। नहीं माते, उन्होंने मुझे सारा सत्य बता दिया है। क्या सत्य बताया उसने? चित्रंगदा उन पर मोहित हो गई थी, ये जानते हुए भी कि वो विवाहित है, वो उनसे विवाह करना चाहती थी। चलो मान लिया, किंतु अर्जुन इस विवाह पर सहमत क्यों हो गया? इसलिए कि चित्रंगदा के पिताश्री महाराज चित्रवाहन ने यह शर्त रख दी कि इंद्रप्रस्थ और मणिपुर की मित्रता उसी समय संभव है जब अर्जुन चित्रंगदा का हाथ थाम ले। और चित्रंगदा ने भी धमकी दी कि यदि अर्जुन ने उसके साथ विवाह न किया तो वो अपने प्राण त्याग देगी। तो तुम ये कहना चाहती हो कि अर्जुन ने इस छोटी धमकी से भयभीत होकर विवाह की सहमति दे दी? नहीं माते, केशव के परामर्श में उन्हें विवश कर दिया। केशव ने बताया इस समय इंद्रप्रस्थ को मित्रों की आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई भी त्याग तुच्छ है। अर्जुन तेरा पति है उलूपी, उसके साथ निर्वाह तुझे करना है। यदि तुझे उस पर विश्वास है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? माता पिता तो अपनी संतान को प्रसन्न देखना चाहते हैं। यदि तू चित्रंगदा को स्वीकार करने को तैयार है तो। नहीं माते, यदि अर्जुन ने चित्रंगदा से प्रेम किया होता तो और बात थी, किंतु ये विवाह चित्रंगदा के षड्यंत्र का परिणाम है। चित्रंगदा ने मेरे पति को प्रेम से नहीं छल से छीना है। मेरे स्वामी आज भी केवल मुझे से प्रेम करते हैं, चित्रंगदा से नहीं। यदि चित्रंगदा हमारे बीच से हट जाए तो मेरे अपने स्वामी पर केवल मेरा ही अधिकार रहेगा। किंतु माते, मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं चित्रंगदा को अपने और अपने पति के बीच से कैसे हटाऊं। पर मेरी समझ में आता है। हां राजकुमारी, चित्रंगदा को मार्ग से कैसे हटाना है यह मैंने सोच लिया है। नागलोक की राजकुमारी के हित के लिए आपका यह तुच्छ सेवक कुछ भी कर सकता है। तुम क्या कर सकते हो चांडक? चित्रंगदा ने पांडु पुत्र को छल से जीता है। छल का उत्तर छल से देना कोई पाप नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। आपको इस बात का ध्यान होगा
कि सुहाग रात के दिन चित्रांगदा अपने कक्ष से बाहर आई थी? हाँ, किंतु वो रति और कामदेव से मिलने गई थी। इसका ज्ञान तो केवल आपको है। क्या अर्जुन इस बात से परिचित है कि चित्रांगदा किससे मिलने गई थी? मेरी बात तनिक ध्यान से सुनिए।